मैनपुरी में दिख रहा है कोचिंग छात्रों के बीच गैंगवार, आए दिन करते हैं मारपीट, आधा दर्जन से अधिक वीडियो वायरल। अगर हम गैंगवार की करें तो आपने अक्सर फिल्म के जरिए देखा होगा कि गैंगवार के चलते दूसरी गैंग के सदस्य अकेला देख ठोकने का काम करते हैं। अगर हम छात्र छात्राओं की भी बात करें तो बड़े बड़े महानगरों में देखने को मिलता है कि एक ही स्कूल के छात्र छात्राएं टोली बनाकर अपनी अपनी गैंग बना लेते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए दूसरे गैंग के अकेले सदस्य को देखकर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, चाहे बहाना कोई भी हो। लेकिन ऐसे ही मामले अब जनपद मैनपुरी में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ कोचिंग कर रहे छात्र गैंगवार के चलते एक दूसरे पर हावी हैं। ऐसे वीडियो तमाम वायरल हो चुके हैं, छात्रों की मारपीट के वायरल वीडियो भी हैं। कोचिंग के छात्रों में आए दिन ही हो रही गैंगवार। जनपद मैनपुरी के हरिदर्शन नगर, भावत चौराहा, बंसीगौरा, छपट्टी मोहल्ला, आज़ाद नगर, करहल चौराहा, आवास विकास कॉलोनी के अलावा सैकड़ों जगह कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं। यह स्थान कोचिंग के हब बन चुके हैं, जहां सुबह से लेकर शाम तक छात्र छात्राएं कोचिंग के लिए घर से रवाना होते हैं, जहां कोचिंग करने के बाद यह छात्र गैंगवार में तब्दील हो जाते हैं। दूसरे गुट का लड़का मिलते ही हमला कर देते हैं और देखते ही देखते हमला वाले स्थान पर खौफ का माहौल कायम कर देते हैं। पिछले 10 दिनों में छात्रों के गैंगवार के आधा दर्जन वीडियो वायरल हैं। आपको बता दें कि छात्रों के बीच फैले गैंगवार संबंधित अब तक 10 दिनों के अंदर आधा दर्जन से अधिक छात्रों द्वारा बनाए गए वीडियो वायरल हो चुके हैं। छात्रों के गुटों का विवाद हो रहा है, कई वीडियो वायरल है। ये संज्ञान में आया है कि हरदर्शन नगर में कई कोचिंग संस्थान है और वहाँ पे लगभग हजारों लड़के पढ़ते हैं कोचिंग में। कुछ ऐसे लड़के हैं जो वहाँ पे ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं या फब्दी शब्द कसते हैं लड़कियों पे, तो इस घटना को देखते हुए वहाँ पे पुलिस फोर्स बढ़ाई जाएगी, वहाँ पे सादे ड्रेस में पुलिस रहेगी और मैं स्वयं वहाँ पे जाऊँगा। आज हमारी मीटिंग भी है कोचिंग संस्थानों से और वहाँ के लड़कों लड़कियों से, तो निश्चित रूप से सुरक्षा दी जाएगी और ऐसी कोई भी जो घटना है नहीं होने दी जाएगी।